Welcome to my channel Genius Brain Box. Class 7th Subject Social. Chapter Number 7. Chapter Name Handicrafts and Handlooms. 15 seconds for each question. For each correct answer, you will get 1 point. टुकड़ियां बनाने के लिए पोला किस मवाद का इस्तेमाल करता है बांस हीम जंगली खजूर के पते जंगली खजूर के पते पोलिया टुकड़ियां बनाने के लिए जंगली खजूर यथाचीठू के पतों की रीण की हड्बी का इस्तेमाल करते हैं कोला टोकरी बनाने के लिए जंगली खजूर के पत्ते कैसे तैयार करता है वो उन्हें पानी में भिगो देता है और फिर धूप में खुश्क कर देता है वो बनाई से पहले उन्हें मुख्तलिफ रंगों में रंगता है वो पत्तों को मुंडोता है और उन्हें धूप में खुश्क करता है वो पत्तों को मुंडोता है और उन्हें धूप में खुश्क करता है चाकू का इस्तेमाल करते हुए वो पत्तों को मुंडवाते हैं और उन्हें खुश्क करने के लिए गर्म धूप में रखते हैं पोलिया को जंगली खजूर के पते कहाँ से मिलते हैं वो उन्हें हैदराबाद के बाजार से खरीदते हैं वो उन्हें हैदराबाद के आसपास के जंगलों से जमा करते हैं उनके रिश्तेदार उन्हें अपने गांव के आसपास की झाड़ियों से जमा करते हैं और उन्हें फरोख्त करते हैं उनके रिश्तादार उन्हें अपने गांव के आसपास की झाड़ियों से जमा करते हैं और उन्हें फरोख्त करते हैं इन्दुगोला में उनके रिश्तेदार अपने है के आसपास की झाड़ियों से रीढ़ की हड्डियां जमा करते हैं और उन्हें पोलिया जैसी टुकड़ी बनाने वालों को बेच देते हैं जंगली खजूर के पत्तों के बंडल की कीमत पोलिया को कितनी है एक सौ रूपये एक सौ बीस रूपये एक सौ पचास रूपये एक सौ बीस रुपए खजूर की रील की हड्डी के हर बंडल की कीमत एक सौ बीस रुपए है पोलायर की फैमिली जनली खजूर के पत्तों के एक बंडल से कितनी टोकरियां बना सकती है पंद्रह बीस पच्चीस पच्चीस पोलिया की फैमिली एक बंडल से 25 टुकरियां बनाती है पोलिया को एक टोकरी बनाने में कितना वक्त लगता है 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट तीस मिनट टोकरी बनाने में तीस मिनट लगते हैं पोला कोलाहर टोकरी कितने में फरोख्त करता है पंद्रह रुपये रुपए बीस पच्चीस रुपए रुपये बीस पोलिया हर टुकड़ी बीस रुपए में बेचता है दो महीनों में टुकरिया बेचने से पोलिया की तकरीबन आमदनी कितनी है तीन हजार सात सौ रुपए पांच हजार रुपये छ हजार दो सौ रुपये पांच हजार रुपए टोकरी की बनाई से होने वाली आमदनी को पूरा करने के लिए पौलाया किया इजाफी सरगर्मी करता है वो तामीराती शोबे में योमिया मजदूर के तौर पर काम करते हैं वो बांस की मसनुआत खरीदते और बेचते हैं वो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर सब्जियां उगाते हैं वो बांस की मसनवात खरीदते और बेचते हैं अपनी आमदनी को पूरा करने के लिए पोला बांस की मसनवात जैसे ट्रे और स्टैंड खरीदते और बेचते हैं पोलिया के वालिद अपने आबाई गांव से शहर क्यों आए शहर में टोकरियों की मांग में इजाफा हुआ था शहर में बच्चों के लिए बेहतर तालीमी मौके मौजूद थे उनके आबाई गांव में टुकरियों की मांग में कमी आई थी उनके आबाई गांव में टुकरियों की मांग में कमी आई थी उनके वालिद, 25 दीगर कुंभों के साथ तकरीबन 30 साल पहले शहर आए थे क्योंकि उनके आबाई गांव में टोकरियों की मांग कम हो गई थी मत में मस्कूल जंगलात की कमी की बुनियादी वजूहत किया है बड़ी सनतों के लिए वसी पैमाने पर इस्ताल और जंगलाती मसनुआत की मांग में कमी आबो हुआ की तब्दीली और क़ुदरती आफात मवेशियों और जरात की तोसी के जरिया जरूरत से ज्यादा चला बड़ी सन्नतों के लिए वसी पैमाने पर इससाल की वजह से जंगलात में कमी आई है इसके अलावा ऐसी मसनुआत की मांग काफी कम हो गई है पोलिया जिस कच्ची आबादी में रहता है वहां रहने के हालात कैसे हैं? कच्ची आबादी में मुनासिब निकासी आब बिजली और पीने का साफ पानी है कच्ची आबादी में मुनासिब निकासी आब बिजली और पीने के साफ पानी का फगदान है कच्ची आबादी में बिजली और पीने का साफ पानी है लेकिन मुनासिब निकासी आब का फुकदान है कच्ची आबादी में मुनासिब निकासी आब बिजली और पीने के साफ पानी का फुकदान है न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही पीने का साफ पानी पोलिया की झोंपड़ी बांस चटाई और एक साइकिल प्लास्टिक के थैले और तरपाल से बनी है पोलाया जैसे लोगों को शहर में वोट नग के हक से क्यों महरूम रखा गया है उनके पास कोई रस्मी तालीम नहीं है उनके पास शहर में कोई जायदाद नहीं है उनके पास शनाख्त का सबूत रहाइश का सबूत नहीं है उनके पास शनाख्त का सबूत आ रहाइश का सबूत नहीं है सख्त जदोजहद के बावजूद पोलाया जैसे लोगों को शहर में वोट नग के हक़ से महरूम रखा गया है दरअसल उन्हें राशन कार्ड देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि उनके पास शनाख़्त का कोई सबूत रहाइश का सबूत नहीं है ये रुकोला कबीले में औरतों का रिवायती पेशा किया है ठोकरी तो की बनाए किस्मत बताने वाला काश्तकारी किस्मत बताने वाला उन्हें उनकी औरतों के किस्मत बताने के रिवायती पेशे ईरो का चिपोता सोधी के नाम पर रुकोला कहा जाता है उक्साड़ियां किया है पेचीदा कढ़ाई के साथ खालिश कपास से बनी साड़ियां एक मुनफरिद रंगाई के अंदाज के साथ रेशम से बनी साड़ियां ब्लैक प्रिंटेड डिजाइन के साथ कपास और रेशम के इम्तजाज से बनी साड़ियां एक मुनफरिद रंगाई के अंदाज के साथ रेशम से बनी साड़ियां यहां के बनकर अनोखी साड़ियां तैयार करते हैं जिन्हें उग कहा जाता है जो दुनिया भर में मशहूर है इकतिक ऐसी अलाह है जो इस खास अंदाज के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें कपड़े को रंगा जाता है जिसे अक्सर बंदीनी या पौचम्पली भी कहा जाता है पौचम्पली कहा वाक है तेलंगाना के जिला आदादरी तेलंगाना के जिला वरंगल तेलंगाना के जिला नलगंदा तेलंगाना के जिला पौचम्पली तेलंगाना के आदादरी जिला का एक छोटा सा कस्बा है पौचम्पली और उसके आसपास के गांवों में इकत साड़ियों की तैयारी में तकरीबन कितने बंकर कुंभे शामिल हैं? एक हजार पांच हजार दस हजार दस हजार आसपास के एक सौ गाउहे में तकरीबन दस हजार बनाई करने वाले कुंभे इस काम में शामिल हैं। दीगर रेशमी साड़ियों के मुकाबले में पोचम्पली साड़ियों को क्या चीज मुनफरद बनाती है वो एक खास किस्म के रेशम से बने होते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं इनके पास एक मुनफरद डिजाइन और रंग है जिसे हिंदुस्तान में पेटेंट किया गया है उन्हें नस्लों से गुजरने वाली खुफिया तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है पौचम्पली साड़ियों का एक मुंफर डिजाइन और रंग होता है जो दीगर रेशम की साड़ियों से काफी मुख्तलिफ है यही वजह है कि यह हिंदुस्तान में पेटर्ट पहला हैंडलूम कपड़ा है रेशम की साड़ियां बनाने के लिए क्या खाम माल दरकार है रेशम के धागे कपास के धागे और रन रेशम के धागे उन और कुदरती रंग सोती धागे रेशम के धागे और मसनुवी रंग रेशम के धागे कपास के धागे और रंग रेशम की साड़ियां बनाने के लिए आपको रेशम के धागे रंगों और सोती धागे जैसे खाम माल की जरूरत होती है पौचम्पली साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रेशम के धागे कौन तैयार करता है बनकर खुद रेशम के की कीड़े पालने वाले छोटे किसान बड़ी टेक्सटाइल मिले रेशम के की कीड़े पालने वाले छोटे किसान रेशम के कीड़ों की, की परवरिश छोटे किसानों के जरिया की जाती है पौचम्पली में बैंकरों के जरिया साड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अहम आला किया है एक पावर लूम एक हैंड लूम घूमने वाला पहिया एक हैंडलूम बनकर लकड़ी के करगई के मालिक है जो बनाई के लिए जरूरी अहम आला है उक्त साड़ियों की तैयारी में चटकसू का इस्तेमाल किया जाता है धागे को घुमाना धागे को रन्ना, कपड़े की बनाए धागे को रनना चटकसु एक खमदार फ्रेम है जो वेट इकथ के लिए बनाया गया है जिसमें खंजर होते हैं जिन पर वेट धागे को ग्रुप किया जाता है और रनने के लिए बांधा जाता है जुगताया की फैमिली को आठ साड़ियां बनाने में कितना वक्त लगता है तकरीबन बीस दिन तकरीबन पैंतीस दिन तकरीबन पचास दिन तकरीबन पचास दिन पूरी फैमिली को आठ साड़ियां बनाने के लिए तकरीबन पचास दिनों तक दिन में बारह पंद्रह घंटे काम करना पड़ता है जुगताया की फैमिली फी साड़ी कितनी आमदनी कमाती है आठ सौ रुपए एक हजार दो सौ रुपए एक हजार पांच सौ रुपए, एक हजार दो सौ रुपये उन्हें इस काम के लिए फीस साड़ी तकरीबन एक हजार दो सौ रुपए मिलते हैं जुगताया की फैमिली उनके बनाई के काम से परेशान क्यों है बनाई से होने वाली आमदनी फैमिली की कफालत के लिए काफी नहीं है यह काम जिस्मानी तौर पर तलब और वक्त तलब करने वाला है उन्हें पावरलूम बैंकरों के साथ मुकाबला करना पड़ता है बनाई से होने वाली आमदनी फैमिली की कफालत के लिए काफी नहीं है जुगतिया की फैमिली उक्त साड़ियां बनाकर जो आमदनी कमाती है वो फैमिली को चलाने के लिए नाकाफी है जुगतिया की फैमिली की खातिन को कुन इजाफी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है उन्हें बनाई के अलावा घरेलू कामकाज भी संभालना पड़ता है उन्हें बनाई बरादरी में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है इनकी तालीम और तरबियत तक महदूद रसाई है उन्हें बनाई के अलावा घरेलू कामकाज भी संभालना पड़ता है औरतें परेशान हैं क्योंकि उन्हें न सिर्फ बनाई करनी पड़ती है बल्कि घर के काम जैसे खाना पकाना पानी लाना और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना वगैरह भी करना पड़ता है जुगतिया की फैमिली ने एक माहिर बनकर के लिए बनना क्यों शुरू किया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काफी काम की पेशकश नहीं की मास्टर बंकर ने बेहतर उजरत और काम के हालात की पेशकश की मास्टर बंकर ने नई बनाई की तकनीकों है में तरबियत फराहम की कोऑपरेटिव सोसाइटी ने काफी काम की पेशकश नहीं की आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी मुनासिब काम नहीं देती है इसलिए उन्हें अपनी फैमिली चलाने के लिए आमदनी के इजाफी जराए तलाश करने पड़ते हैं तेलंगाना में हैंडलूम बेंकरों को दरपेश अहम मसाइल किया है खाम माल और फरसूदा डिज़ाइन तक रसाई का फुकदान लूम्स और मिल से बने कपड़ों से मुकाबला हुकूमती कवायद ज़्यादा टैक्स पावर लूम्स और मिल से बने कपड़ों से मुकाबला उन्हें पावर लूम और मिल से बने कपड़ों से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये कपड़े सस्ते हैं क्योंकि वो मशीनों पर तैयार किए जाते हैं और इसलिए भी कि वो मसनूही धागे का इस्तेमाल करते हैं जो कपास आ रेशम से सस्ता है बैंकरों को मिडिल मैन पर इहिसार करने की बुनियादी वजह किया है बैंकरों के पास अपनी मसनूआत को मुसर तरीके से मार्केट करने की महारत की कमी है बंकर दूरदराज इलाकों में वाक़ हैं जहां बाजारों तक महदूद रसाई है खरीदार फैल बड़िए हुए हैं फैशन तेज़ी से बदलते हैं और बैंकरों के पास खरीदारों के साथ बड़ा रास्त रहा नहीं है खरीदार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और बैंकरों का उनसे कोई बड़ा रास्ता रहा नहीं है शहरों में फैशन तेज़ी से बदलते हैं और बैंकरों के लिए जानना मुश्किल है कि किस किस्म के डिज़ाइन की मांग है हैंडलूम इंडस्ट्री में मिडिलमैन मैन किया किरदार अदा करते हैं वो बैंकरों को खाम माल फराहम करते हैं और तैयार मसनूआत जमा करते हैं वो साड़ियों को डिजाइन करते हैं और बैंकरों को हिदायत देते हैं कि उन्हें किस तरह बनना है वो साड़ियों को गांव से शहरों तक फरोख्त के लिए ले जाते हैं वो बैंकरों को खाम माल फराहम करते हैं और तैयार मसनूआत जमा करते हैं लिहाजा उन्हें मुजा डिज़ाइनों के बारे में जानने और उसके मुताबिक अपने डिज़ाइन तब्दील करने के लिए मिडिल मैन पर इहसार करना पड़ता है उन्हें कपास रेशम के धागे जैसे खाम माल के लिए भी मिडिल मैन पर मुनहसिर रहना पड़ता है क्योंकि वो दूर दराज के मराकज में पैदा होते हैं मिडिल मैन साड़ी की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश क्यों करते हैं वो पैदावार के अमल में बहुत पैसा लगाते हैं खाम माल की फ्राहमी पर उनकी इजारा दारी है बैंकरों के उन परसार की वजह से वो सनत में एक ताक़तवर मकाम रखते हैं बैंकरों के उन पर इहसार की वजह से वो सनत में एक ताक़तवर मकाम रखते हैं इससे मिडिल मैन को हैंडलूम इंडस्ट्री में एक अहम मकाम मिल जाता है और वो साड़ी की कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश करते हैं बैंकरों की मदद करने में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अहम काम किया है बैंकरों को कर्ज और माली मदद फराहम करना हैंडलूम मसनवात को फ़रोगे के लिए सकाफती तकरीबात और नुमाइशों का इनका बैंकरों को कम कीमतों पर खाम माल खरीदने और उनकी मसनवा की मार्केटिंग में मदद करना कोऑपरेटिव सोसाइटियों का मकसद बैंकरों को कम कीमत पर खाम माल खरीदने में मदद करना और उनके कपड़े की मार्केटिंग का इंतजाम करना है कोऑपरेटिव सोसाइटियां बैंकरों को मिडिल मैन पर इहसार कम करने में किस तरह मदद करती हैं खरीदारों को बराह रास्त रसाई फराहम करके और सालसों की जरूरत को खत्म करके मिडिलमैन मैन के मुकाबले में हैंडलूम मसनुआत के लिए ज्यादा कीमतों की पेशकश करके सार्फिन को बराह रास्त हैंडलूम मसनुआत फरोख्त करने के लिए अपने खुरदा स्टोर कायम करके खरीदारों को बराह रास्त रसाई फराहम करके और सालसों की जरूरत को खत्म करके इससे मिडिल मैन और ताजरों पर उनका इहसार कम हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटियां बेंकरों को बदलती हुई मार्केट की जरूरियात के मुताबिक ढालने में किस तरह की मदद कर सकती हैं जदीद बनाई की तकनीक और डिज़ाइन के रुझाना में तरबियत फराहम करके मकबूल डिजाइनों की शनाख्त करने के लिए मार्केट रिसर्च और सर्वे करके फैशन के रुझाना और सार्फिन की तरजीहत पर वर्कशॉप और सेमिनार्स का इनका करके जदीद बनाई की तकनीक और डिज़ाइन के रुझाना में तरबियत फराहम करके कोपरेटिव सोसाइटियों को बैंकरों को नए डिज़ाइनों में तरबियत देकर उनकी मदद करनी चाहिए तेलंगाना में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कामकाज के साथ एक बड़ा मसला किया है वो बैंकरों को मुनासिब काम फराहम नहीं कर रहे हैं वो रुकनीत और ख़दमा के लिए भारी फीस वसूल कर रहे हैं वो अपने माली लेन में शफाफ़ नहीं है वो बैंकरों को मुनासिब काम फ़राहम नहीं कर रहे हैं हालांकि आजकल तेलंगाना में बैंकरों के एक बड़े तबके को कोऑपरेटिव सोसाइटियों से मुनासिब काम नहीं मिलता है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां फ़ैसला साज़ी के अमल में बैंकरों को शामिल करने में कैसे नाकाम रहती हैं वो क़ियादत के अहदों के लिए बाक़ायदगी से अजलास इन्तखा मुनक़द नहीं करते हैं वो बैंकरों को समाज के कामकाज से मुतालिक अहम मसाइल पर वोट देने की इजाजत नहीं देते वो खाम की खरीदारी और मसनुआत की फरोख्त के बारे में फैसलों में बैंकरों को कोई नहीं देते। खाम माल की खरीदारी और मसनवा की फरोख्त के बारे में फैसलों में बैंकरों को कोई इख्तियार को नहीं देते कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बैंकरों को ख़ाम माल की खरीदारी और कपड़े और लिबास के सामान की फ़रोख्त के बारे में फैसला साजी में कोई किरदार नहीं दिया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सार्फिन की तरजीहत के मुताबिक ढालने का क्या नतीजा है बैंकरों को अपनी मसनवा कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर किया जाता है बैंकरों को अपनी मसनुआत फ़रोख्त करने के लिए मिडिल पर इहसार करना पड़ता है बनकर नए डिज़ाइन ईजाद करने और तख्लीक़ करने से कासिर है बैंकरों को अपनी मसनुआत फरोख्त करने के लिए मिडलमैन पर इहसार करना पड़ता है इसने बेंकरों को एक बार फिर मिडलमैन और ताजरों के चुंगल में धकेल दिया है हैंडलूम सन्नत ने मास्टर बैंकरों और ताजरों की बुनियादी तशवीश किया है बैंकरों की फलाह व बहबूद और फलाह व बहबूद रिवायती बनाई की तकनीक का तहफ़ उनका अपना माली फायदा और मुनाफ़ा उनका अपना माली फ़ायदा और मुनाफा चूंकि वो अपनी आमनी बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं इसलिए बैंकरों को कम पैसे देने के तरीके तलाश करना उनके लिए फितरी बात है हैंडलूम और पावरलूम स्लैश मिल से बने कपड़ों में बुनियादी फर्क किया है हैंडलूम कपड़े कुदरती रेशों से बने होते हैं जबकि लूम स्लैश मिल से बने कपड़े मसनू रेशों से बनाए जाते हैं हैंडलूम कपड़े ज्यादा महंगे हैं जबकि पावर लूम स्लैश मिल से बने कपड़े सस्ते हैं हैंड लूम कपड़े हाथ से चलाए जाने वाले कर पर तैयार किए जाते हैं जबकि पावर लूम स्लैश मिल से बने कपड़े मशीनों पर तैयार किए जाते हैं पावर लूम और मिल से बने कपड़े हैंड लूम कपड़ों के मुकाबले में सस्ते क्यों हैं वो कम म्यार के मवाद और रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो मशीनों पर बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और अक्सर सस्ते मसू धागे का इस्तेमाल करते हैं वो हैंडलूम कपड़ों की तरह पायदार अ पा नहीं है वो मशीनों पर बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं और अक्सर सस्ते मसनू धागे का इस्तेमाल करते हैं ये कपड़े सस्ते हैं क्योंकि ये मशीनों पर तैयार किए जाते हैं और इसलिए भी कि वो मसनू धागे का इस्तेमाल करते हैं जो कपास आ रेशम के मुकाबले में सस्ता है कीमतों के की मामले में पौचम पली साड़ी बैंकरों को किया चैलेंज दरपेश है साड़ियां बहुत सस्ती हैं और गाहकों के जरिया उनकी क़दर नहीं की जाती है। रेशम के आला मयार और मेहनत पर मबनी अमल की वजह से साड़ियाँ महंगी हैं है। मिडिलमैन की शमूलियत की वजह से साड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा है रेशम के आला मयार और मेहनत पर मबनी अमल की वजह से साड़ियां महंगी हैं अगर चाहिए अपने आला मैार और मुनफर्द खूबसूरती की वजह से मकबूल है लेकिन पौचम्बली साड़ी महंगी लगती है पौचम्पली साड़ी की सनत में मिडिल मैन का क्या किरदार है वो बराह रास्त साड़ियां बनाते हैं और उन्हें ग्राहकों को फरोख्त करते हैं वो खाम माल फराहम करते हैं और बैंकरों से तैयार साड़ियां खरीदते हैं वो साड़ियों को पौचम्पली से दूसरे शहरों में ले जाते हैं उन्हें कपासा रेशम के धागे जैसे खाम माल के लिए भी मिडिल मैन पर मुंहसर रहना पड़ता है क्योंकि वो दूर दराज के मराक़ में पैदा होते हैं मिडिल मैन पौचम्पली साड़ी बैंकरों की आमदनी को किस तरह मुतासर करते हैं वो बैंकरों को उनकी साड़ियों की मुनासिब कीमत हासिल करने में मदद करते हैं वो बाजार को वसत देकर बैंकरों की आमदनी में इजाफा करते हैं। वो मुनाफा का हिस्सा लेकर बैंकरों की आमदनी को कम करते हैं वो मुनाफा का हिस्सा लेकर बैंकरों की आमदनी को कम करते हैं इससे मिडिलमैन को हैंडलूम इंडस्ट्री में एक अहम मकाम मिल जाता है And to thanks for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe to my channel and comment below that how many points you got